Good morning, children. I hope you all are fine. Dear children, I am happy to connect with you all with our new session of chapter 10. So, student, what message do you think we got from this poem? आपको क्या लगता है कि हमें इस poem से क्या message मिला है? हमें इस poem से अपने जो इंडिया है, अपनी जो कंट्री है, उसकी ब्यूटी के बारे में, उसकी यूनिटी के बारे में और हमें किस तरह से इंडियन होने पर गर्व है, प्राउड है, हमने ये सब इस चैप्टर में सीखा था. ओके, सो जो इसमें पॉइंट हैं वो क्या बता रहे हैं, यहाँ की ब्यूटी, यहाँ का कल्चर, यहाँ के सिंबल्स, नेशनल सिंबल्स. ओके, सो नेशनल बर्ड क्या है हमारे इंडिया का? पिकॉक. नेशनल एनिमल टाइगर. नेशनल फ्लावर लोटस. ओके, और हमारा जो फ्लैग है वो क्या है? इट्स ट्राई कलर. ओके, सो स्टूडेंट, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. हाउ डू यू फील व्हेन यू सी द नेशनल फ्लैग फ्लाइंग हाई? आपको कैसा फील होता है जब आप अपने नेशनल फ्लैग को ऊंचाइयों पर लहराता हुआ देखते हो? कैसा फील होता है? तो हमने इस पोयम में क्या देखा था कि बहुत ही हमें प्राउड फील होता है. पॉइंट क्या कहते हैं कि जब मैं अपने नेशनल फ्लैग को लहराता हुआ देखता हूँ कहीं पर भी, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है. सो हमारे जो इंडिया की ब्यूटी है, यहाँ का कल्चर है, यहाँ पे रिवर्स पाई जाती हैं, ओशियंस हैं और डाइवर्सिटी है. हमारी जो इंडिया है इसमें बहुत डाइवर्सिटी है, बट फिर भी वी ऑल आर इंडियंस. इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी, यानी कल्चर में, रिलीजन में, हमारा जो फूड कल्चर है उसमें, फूड हैबिट्स में भी बहुत डाइवर्सिटी होने के बाद भी यहाँ पर यूनिटी पाई जाती है. और यही हमारे इंडिया की पहचान है. हमारा इंडिया अपनी डाइवर्सिटी के लिए, अपनी यूनिटी के लिए, पीस के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है. और हमें अपने इंडियन होने पे बहुत गर्व है, प्राउड है. ओके, सो स्टूडेंट, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू रीड द पोयम वंस अगेन एंड ट्राई सम एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ द लेसन. रेडी टू गो? लिसन टू मी केयरफुली and read the poem along with me. A proud Indian. I am a patriotic Indian. India, my country, my land, my birthplace. I love it, its birds and animals. The national symbols, the lotus, the tiger and the peacock. ये सब क्या है? हमारे national symbols हैं. पिकॉक नेशनल बर्ड है, टाइगर नेशनल एनिमल एंड फ्लावर द लोटस. द लोटस क्या है? हमारा नेशनल फ्लावर. द टावरिंग हिमालयाज, अ बे, अ सी एंड एन ओशियन. माइटी गंगा एंड द अदर रिवर्स आर वेरी स्पेशल. I care for my flag, its tricolor waving so bright, the temples, churches and mosques that rise high up to the sky fill me with pride. My people are Indians, we welcome everybody respectfully and kindly with a namaste. I am proud to be an Indian. सो स्टूडेंट, मैंने आपको ये पोयम बहुत अच्छे से प्रीवियस सेशन में एक्सप्लेन की थी. हमने यहाँ पे पोयम एक बार फिर से रीड की है और मैं आपको थोड़ी सी समरी बता देती हूँ कि पॉइंट क्या कहते हैं. कि मुझे अपनी जो लैंड है, अपने इंडिया की जो लैंड है, इससे बहुत प्यार है. इवन मुझे यहाँ के एनिमल्स से, यहाँ के बर्ड से और यहाँ की हर एक चीज़ से प्यार है, यहाँ के नेशनल सिंबल्स से प्यार है. और हमारे इंडिया में क्या क्या है? बहुत सारे ओशियंस हैं, रिवर्स हैं और एक बहुत ऊंचा, आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ हिमालय है. और मैं अपने फ्लैग की बहुत केयर करता हूं और मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब मैं इसको लहराता हुआ देखता हूं. और मेरे जो लोग हैं, इंडियंस जो हैं, वो कोई भी आने वाला हो उसकी बहुत ही रेस्पेक्टफुली, काइंडली
उसको क्या करते हैं, वेलकम करते हैं। इसलिए मुझे अपने इंडियन होने पे बहुत प्राउड है, गर्व है मुझे अपने भारतीय होने पर। ओके, सो स्टूडेंट, यस, हमें अपने इंडियन होने पे बहुत गर्व है, मुझे भी अपने इंडियन होने पे बहुत गर्व है। आई लव माय इंडिया, आई लव माय कंट्री। ओके स्टूडेंट, एज वी रीड द पोयम वंस अगेन, लेट्स ट्राई टू डू सम एक्टिविटी। एक्टिविटी करने से पहले हम यहाँ कुछ देखते हैं। इंडिया इज ए कंट्री विद मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, येट ऑल ऑफ अस बिलोंग टू वन कंट्री, इंडिया। नॉट मैनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सच डाइवर्सिटी। यू नो वॉट स्टूडेंट, हमारे इंडिया में बहुत ही, मतलब इंडिया एक अकेला ऐसी कंट्री है जिसमें कि सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। हर अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग रीजन पर लैंग्वेज चेंज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग राजस्थान में हैं तो यहाँ राजस्थानी बोली जाएगी। राजस्थान में अभी मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ोती, अलग अलग ज़िलों के अकॉर्डिंग जो है वो लैंग्वेज बोली जाती है। गुजरात में गुजराती, केरल में मलयालम। इस तरह से हमारा जो इंडिया है, एक ही कंट्री होने के बाद भी यहाँ पे डिफरेंट काइंड की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लेकिन फिर भी हम किससे बिलोंग करते हैं, हम इंडिया से। हम सब क्या हैं, हम सब एक हैं, वी आर इंडियंस। ओके, आपको पता है कि किसी भी दूसरी कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी नहीं पाई जाती है, और ये भी हमारा एक प्राउड है कि हमारे इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी रिलीजन में भी बहुत डाइवर्सिटी है, लैंग्वेजेस में भी, और जो हमारा पहनावा होता है उसमें भी बहुत डाइवर्सिटी है। और यहाँ के सभी लोग मिलजुल कर, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी सब लोग मिल कर के रहते हैं, बहुत शांति से, पीसफुली रहते हैं, एकता से, यूनिटी से रहते हैं। ओके, सो वी ऑल आर इंडियन। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, लुक विद इन, हाउ डू यू फील व्हेन यू थिंक ऑफ योर कंट्री, डिस्कस। आपको कैसा फील होता है जब आप अपनी कंट्री के बारे में सोचते हो? सो स्टूडेंट बताइए, देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर चिल्ड्रन। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन टाइम एक्टिविटीज 10.3। देयर आर फोर क्वेश्चंस गिवन। As you all are aware, this question time activities will help you to go over few questions to check your understanding of your theme of the lesson. Look at your screen now. This is your question time activity 10.3. Okay, there are four questions given in this activity. Let's read the instruction now. It says, what does the poet mean by the towering Himalayas? Poet का यहाँ पे towering Himalayas का क्या मतलब है, मतलब इससे क्या कहना चाहते हैं जो poet हैं, उन्होंने क्यों हिमालय को towering कहा है, मतलब towering हिमालय कहा है। So towering means होता है very large, very tall, बहुत ऊँचा, लंबा, ठीक है। Because the Himalayas are taller than everything else, क्यों कहा है उन्होंने, क्योंकि जो हिमालय है वो किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा ऊँचाई पर है, बहुत टॉल है, ऊँचा है, लंबा है। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज, द पोइट हैज़ mentioned दैट इंडियंस वेलकम पीपल बाय saying,
पोइट ने चैप्टर में क्या हमने जो पोएम पढ़ी है उसमें क्या बताया है कि जो इंडियंस हैं वो लोगों को किस तरह से स्वागत करते हैं, कैसे स्वागत करते हैं जब हम कोई आता है, तो हम अपने हैंड ज्वाइन करके उन्हें नमस्ते बोलते हैं. यस, द पोइट हैज़ मेंशन्ड दैट इंडियंस वेलकम पीपल बाय सेइंग विद अ नमस्ते. सो यू नीड टू राइट नमस्ते. Third question is, look at the words given below. Write as many rhyming words as you can for each. So student, हमने poem read की है, उसमें से हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ words दिए हुए हैं, आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ राइमिंग वर्ड्स राइट करने हैं. राइमिंग वर्ड्स आप सभी को पता है क्या होते हैं, जो राइम करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल किसी भी पोएम में आपने देखा है, जैसे स्काई है, स्काई के साथ कौन कौन से वर्ड्स राइम कर रहे हैं, फ्लाई, क्राई, ड्राई. ओके, ये सब वर्ड्स इनके साथ राइम कर रहे हैं, मीन्स ऐसा लगता है पढ़ने पर ये सब सेम हो, वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं. अब देखिए यहाँ पोएम से एक वर्ड लिया राइज, राइज के साथ राइज के राइमिंग वर्ड सोचिए. थिंक अबाउट इट स्टूडेंट, कीप योर इमेजिनेशन ऑन राइमिंग वर्ड, थिंक करिए आपके अकॉर्डिंग, सोचिए इस बारे में कौन कौन से होते हैं राइज के साथ जो राइम करते हैं. फॉर एग्जांपल राइस, डाइस, माइस, लाइज, ये सब राइज के साथ राइम कर रहे हैं. ओके, नाउ द थर्ड वर्ड इज हाई. हाई के साथ कौन कौन से वर्ड राइम कर सकते हैं, सोचिए. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स दैट राइम विद हाई, डाई, बाय, स्टाई, थाई. ओके, नाउ पेज नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 4. Circle your response. The poet is proud to be an American, an Indian or an Australian. Means, जो poet है उनको क्या होने पर गर्व है, American होने पर, Indian होने पर या Australian होने पर. The poet is proud to be an Indian. Poet को अपने Indian होने पर बहुत गर्व है. Okay, now Think and ink activity, activity number 10.4. Observe the picture and color the Indian flag. Answer the questions that follow. आपको इस पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और जो हमारा इंडियन फ्लैग है इसको कलर करना है. ओके, यू नीड टू फिल द कलर इन इंडियन फ्लैग. Then you have to write some answer for the questions given here. The first one is, what do you think is the occasion? आपको इस पिक्चर को देखकर क्या लगता है कि ये कौन सा ओकेशन है? I think the occasion may be Republic Day or Independence Day. क्योंकि हम जब अपना फ्लैग जो होता है, जब वो अपन हम कब लगाते हैं अपने फ्लैग्स, यानी रिपब्लिक डे, इस तरह के पिक्चर्स को देख के आपको कौन सा ओकेशन, कौन सा मतलब याद आ रहा है कि क्या ऐसी ये पिक्चर किससे मिलती जुलती है? आपने स्कूल्स में देखा है जब रिपब्लिक डे होता है या फिर इंडिपेंडेंस डे होता है, तो हम जो है फ्लैग होस्टिंग होती है वहाँ पे, ठीक है, और जो चिल्ड्रन होते हैं वो इस तरह की कुछ परेड करते हैं और सैल्यूट करते हैं अपने फ्लैग को. ओके, सो द ओकेशन में भी रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे. ये ओकेशन कौन सा हो सकता है? या तो रिपब्लिक डे हो सकता है या फिर इंडिपेंडेंस डे हो सकता है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, वेयर कुड द इवेंट बी टेकिंग प्लेस? ये इवेंट कहाँ हो सकता है, बताइए, कहाँ होता है, कहाँ होते हैं चिल्ड्रन, फ्लैग होस्टिंग होती है जहाँ पे बच्चे भी होते हैं. वैसे तो फ्लैग होस्टिंग बहुत सारी जगह पर होती है, बट यहाँ पे चिल्ड्रन दिखाई दे रहे हैं. सो कहाँ का ओकेजन हो सकता है ये? आई थिंक द इवेंट मे बी टेकिंग प्लेस इन अ स्कूल.
Okay, so you need to write the answers. Page number 83. Third question is, this question is also related with the picture, with that picture that is given on the page number 82. Third one is, What are the students doing? Student क्या कर रहे हैं वहाँ पे? The students are saluting the flag. क्या कर रहे हैं वो? Salute कर रहे हैं flag को. Fourth question is, identify these pictures. Write their names in the blanks provided. आपको इस picture को अच्छे से देखना है और यहाँ पर इसको आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और यहाँ आपको जो पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं आपको उनके नेम राइट करने हैं जो यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज टाइगर, पिकॉक, लॉटस एंड इंडियन फ्लैग. सो ये सब क्या हैं? हमारे नेशनल सिंबल्स हैं. नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर एंड नेशनल फ्लैग. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज, विच इज इंडियाज नेशनल फ्रूट? टिक योर आंसर. नेम ईच फ्रूट इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड. स्टूडेंट टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ आर कंट्री? जिस तरह से हमारा नेशनल एनिमल है, नेशनल बर्ड है, नेशनल फ्लावर है, नेशनल फ्लैग है, उसी तरह से हमारा नेशनल फ्रूट भी है. ओके, सो कौन सा है हमारा नेशनल फ्रूट? मैंगो. मैंगो इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ आर कंट्री. और आपको इन पिक्चर्स के सभी के क्या करने हैं? नेम राइट करने हैं. सो दिस इज एन एप्पल, अ पाइन एप्पल एंड अ मैंगो. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो योर इंडियाज एंड दिस इज ऑल्सो इंडियाज नेशनल फ्रूट. सिक्स्थ क्वेश्चन इज, नेम द नेशनल फेस्टिवल्स दैट फॉल ऑन द टू डेट्स गिवन बिलो. आपको यहाँ पर टू डेट्स दी हुई हैं, आपको बताना है कि हम इन पर कौन कौन से जो फेस्टिवल हैं वो सेलिब्रेट करते हैं या कौन से ओकेशन हैं ये. ओके, ऑन 15 अगस्त वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे. 15 अगस्त पे हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंडिपेंडेंस डे. एंड ऑन 26 जनवरी वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे. ओके, हाउ डू यू सेलिब्रेट दीज डेज? टेल योर पार्टनर. अब आप ये जो डेज हैं या ये जो फेस्टिवल्स हैं ये आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं आपको डिस्कस करना है. ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया है. यहाँ आपको इनके नाम लिखने हैं, यहाँ आपको नेशनल फ्रूट पे टिक करते हुए इनके नाम राइट करने हैं और आपको यहाँ पे फेस्टिवल्स बताने हैं कि ये कौन कौन से फेस्टिवल हैं. ओके, सो 15 अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंडिपेंडेंस डे. एंड 26 जनवरी को रिपब्लिक डे. ओके, आई थिंक आपको ये सारी एक्टिविटीज़ क्लियर हैं. नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी हम उसमें अदर एक्टिविटीज़ करेंगे. एंड नाउ दिस इज योर टर्न टू वर्क ऑन दिस एक्टिविटी. डोंट फॉरगेट टू राइट टुडेज डेट. आप जब भी वर्क करेंगे तो आप ऊपर आज की डेट, जब भी आप वर्क कर रहे हैं उस दिन की डेट लिखना ना भूलें. ओके,